एक इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी है कि आदमी दो तरीके से टूटता है। 2022 में 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई और हमारे देश में कैंसर से इतने लोगों की जान चली जा रही है जितना किसी देश की आबादी है, जिसको देश के अंदर लागू करना बहुत आवश्यक है। सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए कि 25% फ्री इलाज कैंसर के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अपना घर बेच के जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। मान्यवर कि हैजा, मलेरिया, ऐसी मेनिनजाइटिस टाइप ऐसी तमाम बीमारियां वो सरकार द्वारा नोटिफाइड की गई हैं, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, ये कैंसर की बीमारी एक इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी है कि आदमी दो तरीके से टूटता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वो शारीरिक रूप से टूटता है और उसका परिवार आर्थिक रूप से टूटता है। और इसके जो आंकड़े हैं मान्यवर वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जितनी तेजी के साथ हिंदुस्तान में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है उस पर हम सबको, पूरे सदन को और सरकार को चिंता करने की और कदम उठाने की आवश्यकता है। मान्यवर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 22 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है और अकेले 2022 में 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है। मान्यवर हमारे देश में कैंसर से इतने लोगों की जान चली जा रही है जितना किसी देश की आबादी नहीं है। मैं देख रहा था देशों की आबादी, भूटान की आबादी 7,80,000 है, गुयाना की आबादी 8 लाख है, लग्जमबर्ग की आबादी 6,53,000 है, मालदीव की आबादी 5,24,000 है। जितनी किसी देश की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। और इसके बारे में मान्यवर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो इस सरकार के सामने विचाराधीन है और उसके अध्यक्ष रामगोपाल यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसको देश के अंदर लागू करना बहुत आवश्यक है। वो रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि इस देश के अंदर 25% लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज कराने की व्यवस्था की जाए, सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए कि 25% फ्री इलाज कैंसर के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिले। दूसरी बात मान्यवर, बच्चों को जो कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको देख के परिवार पीड़ित होता है, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, अपना घर बेच के जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। तो इसलिए बच्चों का इलाज पूरी तरीके से फ्री किया जाए अगर किसी बच्चे को कैंसर की बीमारी होती है, ये दूसरी सिफारिश उसमें है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि हैजा, मलेरिया, ऐसी मेनिनजाइटिस टाइप ऐसी तमाम बीमारियां वो सरकार द्वारा नोटिफाइड की गई हैं, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ये अधिसूचित नहीं की गई, ये नोटिफाई नहीं की गई। ये भी एक मान्यवर चिंता का विषय है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस बीमारी को नोटिफाई किया जाए। धन्यवाद माननीय संजय जी, धन्यवाद। समय खत्म हो रहा है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।